नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है संपत राज लीलर और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गुरु संपत पे। तो आज के C++ के क्लासेज में हम जानने वाले हैं फाइल हैंडलिंग, क्लासेज, मोड्स एंड मेमोरी फंक्शंस के बारे में। यानी इस पूरे वीडियो में हम जो है फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड पूरा टॉपिक जो है क्लियर करने वाले हैं। पूरा वीडियो अंत तक देखें ताकि जो इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है वो आपको आसानी से क्लियर हो सके। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम फाइल हैंडलिंग के बारे में जानते हैं। तो इसके अंदर देखिए हम जो है ओपन, रीड और क्लोज, यानी एक फाइल से रिलेटेड कौन कौन से ओपन ऑपरेशंस हो सकते हैं। उस फाइल को जो है ओपन करना, उसको रीड करना और उसको वापस क्लोज कर देना, तो इसके बारे में जो है हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इससे रिलेटेड कुछ जो पॉइंट है हम जिसके अंदर पढ़ लेते हैं कि फाइल हैंडलिंग में डाटा को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में परमानेंटली जो है स्टोर किया जाता है। यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन कौन से हो गए, हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गए या अदर जो भी आपके आप जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर मानते हैं। सेकेंड इसका पॉइंट है कि फाइल हैंडलिंग को ओपन, क्लोज, रीड, राइट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी फाइल को ओपन करना, रीड करना, अगर उसके अंदर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो उसको हम राइट कहते हैं तो राइट कर सकते हैं, और उसको फाइल को क्लोज करना, इससे रिलेटेड ये जो होते हैं ऑपरेशंस होते हैं। इससे पहले सिन और सी आउट, इन दोनों ऑब्जेक्ट के लिए आयो स्ट्रीम डॉट एच इस्तेमाल करते आए हैं। जब आयो स्ट्रीम डॉट एच यानी आयो स्ट्रीम इस हेडर फाइल का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आई स्ट्रीम यानी इंटीजर स्ट्रीम जो होती है क्लास का सीन, और ओ स्ट्रीम यानी ओपन स्ट्रीम क्लास का सी आउट को कोई कीमत नहीं रहती है। यानी वैसे फाइल हैंडलिंग के लिए भी होती है। यानी हम जब फाइल को किसी भी प्रकार से हैंडल करते हैं तो उसके अंदर जो है हम ओपन करते हैं, रीड करते हैं और राइट करते हैं, उस फाइल को हम वापस क्लोज कर सकते हैं। C++ में फाइल हैंडलिंग का एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम अलग अलग हेडर फाइल्स को दिया होता है, यानी उसका जो नाम होता है। यानी अगर हम इनपुट और आउटपुट करवाना चाहते हैं जिस प्रकार से सिन और सी आउट होता है, तो वहाँ पे हम जो है आयो स्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जो है फाइल से रिलेटेड काम करेंगे तो वहाँ पर जो है हम एफ स्ट्रीम यानी फाइल स्ट्रीम जो है हेडर फाइल्स का यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि यूज ऑफ फाइल हैंडलिंग यानी फाइल हैंडलिंग जो है उसका जो है इस C++ प्रोग्रामिंग में जो है इसका क्या उपयोग है। तो यहाँ पे देखिए प्रोग्राम में सिन और सी आउट से थोड़े समय के लिए मेमोरी को स्टोर करके रखना होता है। यानी कि प्रोग्राम जब प्रोग्रामर बंद करता है, यानी प्रोग्राम हमने जो क्रिएट कर दिया, अब उस प्रोग्राम ने उसको यूज कर लिया और प्रोग्रामर को जो है उसको बंद करता है, तब प्रोग्रामर का सारा प्रोग्राम को जो सारा डाटा होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। यानी जो असीमित जो प्रोग्राम होते हैं, यानी हम जब असीमित प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर के अंदर रन करते हैं और उसको असीमित समय के लिए यूज करके वापस उसको बंद कर देते हैं, तो उसका जो भी डाटा होता है वो मिट जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। प्रोग्राम में डाटा स्टोर करने के प्रोग्रामर कुछ वेरिएबल्स, एरे, स्ट्रक्चर, यूनियंस का इस्तेमाल करता है, पर ये डाटा परमानेंटली स्टोर नहीं होते। यानी हम कई प्रकार के जो उसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, एरे बनाते हैं, यानी हम उस मेमोरी के अंदर जो है कितना प्रकार का साइज देना चाहते हैं, उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होगा, उसके अंदर हम यूनियंस का इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो वो परमानेंटली स्टोर करने के लिए जो होता है फाइल हैंडलिंग का इस्तेमाल करते हैं। अगर फाइल हैंडलिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो डाटा जो होगा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फाइल हैंडलिंग के दरमियान यदि क्रिएट हुई फाइल, चाहे वो अलग अलग यानी टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं, हम टेक्स्ट हो गए, डॉक्यूमेंट हो गया, इससे अलावा जो भी हमारे पास जो फाइल्स होती हैं उनको हम पोर्टेबल होती हैं, तो वो कंप्यूटर में भी इस्तेमाल हो सकती है। पोर्टेबल का मीन्स हो गया कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के ऊपर हम फाइल को यूज करते हैं तो उसको हम पोर्टेबल के नाम से जान सकते हैं। अंततः तो फाइल हैंडलिंग के लिए एफ स्ट्रीम यानी फाइल स्ट्रीम, आप इसको जो है अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा। आप अगर हम फाइल से रिलेटेड कोई भी प्रकार का काम कर रहे हैं, ओपन, रीड, क्लोज या राइट, तो वहां पे हमें जो है एफ स्ट्रीम हेडर फाइल को यूज करना ही पड़ेगा। एफ स्ट्रीम इस हेडर फाइल में तीन क्लासेज होती है, कौन कौन सी, एफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम और एफ स्ट्रीम। इन तीनों हेडर फाइल्स को जो है आपको यूज करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं इफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम और एफ स्ट्रीम के बारे में। तो इफ स्ट्रीम का इस्तेमाल जो होता है फाइल को रीड करने के लिए किया जाता है, ऑफ स्ट्रीम का इस्तेमाल जो होता है फाइल को राइट करने के लिए किया जाता है, और एफ स्ट्रीम का जो है इस्तेमाल फाइल को रीड और राइट दोनों करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एफ स्ट्रीम क्लास में इफ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम दोनों क्लासेस हो सकती हैं। अगर फाइल को रीड करना हो तो इफ स्ट्रीम की जरूरत पड़ेगी, और फाइल पर डाटा को राइट करना हो तो ऑफ स्ट्रीम की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर हम दोनों को यूज करना चाहते हैं तो वहां पे हम जो है सिर्फ एफ स्ट्रीम यानी फाइल स्ट्रीम का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अब हम देखते हैं मोड्स ऑफ फाइल हैंडलिंग यानी फाइल में हैंडलिंग के जो है मोड कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए इसके 7 मोड बनाए गए हैं। कौन कौन से हैं आपके, आईओएस,
स्कोप रेजोल्यूशन और इन यानी इफ स्ट्रीम के अंतर्गत इसका यूज होता है। अब ये काम क्या आता है, आपके रीड मोड पर फाइल को ओपन करना हो तो, यानी फाइल को सिर्फ आपको रीड करना है, उसके अंदर आपको कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपके व्हाट्सएप के जो भी डाटाबेस होते हैं उनको आप जो ओपन तो कर सकते हैं लेकिन उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर जो है आपके iOS रेजोल्यूशन ऑपरेटर और इन का यूज कर सकते हैं हम वहां पे प्रोग्रामिंग के दौरान। अब ये क्या होगा, आपके iOS रेजोल्यूशन ऑपरेटर सॉरी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आउट, तो यहाँ पे ये ऑफ स्ट्रीम के लिए यूज होता है। इसको क्या करते हैं हम राइट मोड पर फाइल को ओपन करने के लिए किया जाता है, यानी हम फाइल को ओपन करके उसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वहां पे जो है हम स्कोप रेजोल्यूशन आउट का यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे iOS बाइनरी का कहाँ पर यूज होता है, इफ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम दोनों के लिए यूज हो सकता है। किस प्रकार से, बाइनरी फाइल को ओपन किया जाता है अगर फाइल को कोई एक्सटेंशन यानी उसका एक्सटेंशन ना दिया जाता है, जैसे .txt .doc, तो इस प्रकार के अगर हम एक्सटेंशन ना दें तो वहां पे जो है डिफॉल्ट .txt के मोड पर ही चला जाएगा, यानी जो नोट पैड के अंदर ओपन होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको भी आप जो है अलग से नोट डाउन कर लीजिए। iOS ATE क्या कहां पर यूज होता है, इफ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम के लिए, यानी एंड ऑफ फाइल पर डाटा को जोड़ा जाता है और फाइल के पूरे डाटा को एक्सिस्टिंग डाटा के साथ कंट्रोल किया जाता है, तो वहां पे हम जो है इसका यूज करेंगे। iOS ऐप का कहां पर यूज होगा, ऑफ स्ट्रीम के लिए, एंड ऑफ फाइल पर फाइल को अपेंड किया जाता है यानी जोड़ा जाता है, मतलब डाटा को जोड़ने के लिए इसका जो है यूज कर सकते हैं, किसका, iOS ऐप का। iOS टर्न सी का कहां पर यूज होता है, ऑफ स्ट्रीम के स्ट्रीम के लिए यूज होता है, लेकिन फाइल में से डाटा को मिटाना हो तो वहां पे जो हम है टर्न सी का यूज करेंगे। नो क्रिएट का कहां पर यूज होगा, ऑफ स्ट्रीम के लिए होगा, यानी जहां पर नो ऑफ स्ट्रीम होगा वहां पर जो है हम नो क्रिएट का यूज कर सकते हैं। फाइल पहले से ही एग्जिस्ट ना हो, ओपन फंक्शंस फेल हो जाते हैं तो फाइल क्रिएट कर भी नहीं हो सकती है, तो वहां पर हम जो है नो क्रिएट का यूज करेंगे, जहां पर हम वापस जो है उसको क्रिएट नहीं कर पाए। नो रिप्लेस यानी जहां पर उसका जो उसकी जगह जो है हम कुछ भी नहीं चेंजेस कर सकते हैं, ये भी ओपन स्ट्रीम के अंदर ही यूज होगी। फाइल पहले से ही एग्जिस्ट हो तो ओपन फंक्शन फेल हो जाता है और न्यू फाइल क्रिएट हो जाती है, यानी अगर आपका जो फाइल है वो पहले से एग्जिस्ट है ओपन है तो उसके अंदर अगर आपका फंक्शन फेल हो जाता है तो वहां पर जो है ऑटोमेटिक आपका जो है न्यू फाइल क्रिएट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम जानते हैं अगर स्ट्रीम क्लास जो होती है इफ स्ट्रीम इस्तेमाल किए जाते हैं तो फाइल डिफॉल्ट iOS यानी इन का यूज करेगा। अगर आपका जो है इफ स्ट्रीम हम डिफॉल्ट रूप से यूज कर रहे हैं तो वहां पे जो वो है रीड मोड पर ओपन होगी, अगर जो है ऑफ स्ट्रीम का यूज करते हैं तो वो जो होगी आपके स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और वहां पे जो है आउट राइट यानी राइट मोड पर ही ओपन होगी। ये आपको दोनों का यूज रखना है, यानी इफ स्ट्रीम यूज कर रहे हैं तो वहां पे जो है वो डिफॉल्ट मोड रीड लेगी, अगर वो जो है ऑफ स्ट्रीम यूज कर रहे हैं तो वहां पे डिफॉल्ट मोड आउट यानी रीड का यूज होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम जानते हैं इसका सिंटेक्स ओपन फाइल हैंडलिंग के बारे में। तो यहां पे देखिए स्ट्रीम क्लास और स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, स्ट्रीम का क्लास यहां पे डिक्लेयर करेंगे और स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट जो होगा वहां पे यूज करेंगे, और स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट डॉट ऑब्जेक्ट यानी यहां पे जो हम ऑब्जेक्ट बनाए हैं उसका नाम डॉट ओपन और यहां पे फाइल का नाम लिख देंगे जो हमें ओपन करनी है। अब यहां पे हमें इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऑफ स्ट्रीम एफ आउट यानी एक मैंने ऑफ स्ट्रीम बनाया है ऑब्जेक्ट सॉरी इसका क्लास और इसका ऑब्जेक्ट का नाम रखा है मैंने एफ आउट। अब यहाँ पे देखिए वापस हम ऑब्जेक्ट को नाम लिखते हैं और यहाँ पे इसको हम ओपन करना चाहते हैं। फाइल का नाम क्या है आपके सैम्पल डॉट टी एक्स टी। यहाँ पे देखिए मेरे एक कमेंट भी यहाँ पे मैंने क्रिएट कर रखे हैं, क्रिएट स्ट्रीम यानी आप स्ट्रीम बना रहे हैं और डिफॉल्ट मोड इज आउट सॉरी iOS स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और आउट यानी ये जो है इस प्रकार का एग्जाम्पल हम इसके थ्रू समझ सकते हैं। अब देखिए फाइल को ओपन करने के लिए बिटवाइज और ऑपरेटर यानी आपने ऑपरेटर से रिलेटेड जो हमने वीडियो अपलोड किया था उसके अंदर समझा था आपने बिटवाइज एंड नॉर नॉट, तो वहां पे जो है आपको बिटवाइज के बारे में भी मैंने बता रखा है, ऊपर दिए गए आई बटन के लिंक के ऊपर आप क्लिक करके इसके बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि फाइल को ओपन करने के लिए बिटवाइज और ऑपरेटर के साथ एक से ज्यादा जो है हम मोड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कौन सा एग्जांपल होगा आप देखिए यहाँ पे एफ स्ट्रीम और एफ आउट। एफ स्ट्रीम तो होगा इसका स्ट्रीम क्लास का नाम और इस ऑब्जेक्ट का नाम हो गया एफ आउट, तो एफ आउट डॉट ओपन यानी ऑब्जेक्ट डॉट ओपन। अब कौन सा ओपन कर रहे हैं हम सैंपल डॉट txt यानी इस फाइल का नाम हो गया। अब इसको किस मोड पे ओपन करना चाहते हैं, रीड मोड पे या राइट मोड में, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसके बीच में देखिए यहाँ पे बिटवाइज और ऑपरेटर मैंने यूज किया है।
अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्लोजिंग फाइल, फाइल को क्लोज कैसे करते हैं। फाइल जब ओपन होती है तब उसे क्लोज भी करना पड़ता है, यानी आपने जो फाइल ओपन कर ली उसके अंदर रीड राइट ऑपरेशंस भी कर लिए हैं, तो अब उस लास्ट में उस फाइल को आपको क्लोज भी करना पड़ेगा। जब फाइल क्लोज की जाती है तब फाइल जो होती है मेमोरी को एलोकेट करती है और उसे फ्री करती है, यानी जब आप फाइल को ओपन करते हैं तो उसके अंदर जो होती है मेमोरी, आप जो काम करेंगे वो एलोकेट हो जाएगी, और जब फाइल को आप जो है बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे, तो वो क्लोज एलोकेट की हुई मेमोरी जो होती है वो आपके फ्री हो जाती है। अब इसका सिंटेक्स क्या होगा, स्ट्रीम डॉट ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज, यानी स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट है उसके आगे हमने पिछले पेज के अंदर जो है ओपन यूज किया था, यहाँ पे हम जो है क्लोज फंक्शन को यूज कर लेंगे। इसका एग्जांपल दिए कि आप एफ आउट डॉट क्लोज, यानी एफ आउट नाम से ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे जो है क्लोज नाम से मैंने फंक्शन को यूज कर लिया है। अब हम देखते हैं गेट मेंबर फंक्शंस के बारे में। तो यहाँ पे देखिए गेट मेंबर फंक्शन से सिंगल कैरेक्टर को इनपुट किया जा सकता है, यानी सिर्फ एक कैरेक्टर को ही हम इनपुट कर सकते हैं, किसके थ्रू, गेट मेंबर के थ्रू। गेट फंक्शंस इफ स्ट्रीम क्लास में डिफाइन होता है, इसका मतलब यह है कि फंक्शन इस्तेमाल करने के लिए आयो स्ट्रीम इस हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा आपको। गेट फंक्शंस अनफॉर्मेटेड स्ट्रीम यानी आईओ इनपुट आउटपुट फंक्शंस होता है। गेट फंक्शंस डाटा को रीड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी आपको डाटा को कहीं से रीड करना है तो वहां पे जो है हमें इस फंक्शंस का यूज करेंगे। सिन और सी एच और सिन डॉट गेट सी एच में क्या फर्क है, आप देखिए इन दोनों के अंदर आपको फर्क जो है मालूम होना जरूरी है। कौन कौन सा, सिन सी एच ये क्या होता है कि ये न्यू लाइन और वाइट स्पेस लेता नहीं है, जबकि सिन डॉट गेट यानी ये न्यू लाइन और वाइट स्पेस को लेता है, यानी आप जब न्यू लाइन के अंदर जाना चाहते हैं या उसके अंदर जो स्पेस अगर आपको लेना है तो वहां पे आपको सिन डॉट गेट यूज करेंगे तो आपको स्पेस मिल जाएगा, लेकिन अगर आप सिन और ये ग्रेटर देन सी एच को यूज करेंगे तो वहां पे जो है आपको स्पेस वगैरह नहीं मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं गेट मेंबर फंक्शंस के बारे में। तो इसका सिंटेक्स देखिए, सिंटेक्स फॉर गेट फॉर फाइल हैंडलिंग, यानी फाइल हैंडलिंग के अंदर जो है गेट फंक्शंस को किस प्रकार से यूज करते हैं। तो इसका सिंटेक्स जो है इस प्रकार से होगा, स्ट्रीम ऑब्जेक्ट ऑफ इफ स्ट्रीम क्लास डॉट गेट और लास्ट इसके ब्रैकेट के अंदर जो है कैरेक्टर सी एच, यानी इस प्रकार का डाटा टाइप होगा वो और उसका नाम। और इसके अलावा दूसरा भी हो सकता है, कैरेक्टर सी एच इज इक्वल टू स्ट्रीम ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रीम क्लास और डॉट गेट मैप, गेट जो होगा आपके फंक्शंस का नाम जो होगा यहाँ पे हम डिक्लेयर कर देंगे। अब देखिए आप सिंटेक्स फॉर गेट फॉर कंसोल, अगर आप कंसोल के लिए यूज करना चाहते हैं तो वहाँ पे जो होगा इस प्रकार से जो है इसका सिंटेक्स होगा, सिन डॉट गेट और ब्रेकेट के अंदर जो है इसका डाटा टाइप यानी कैरेक्टर सी एच और कैरेक्टर सी एच बराबर सिन डॉट गेट फंक्शंस को हम यहाँ पर जो है यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं पुट फंक्शंस के बारे में, वो तो था गेट यानी वहां से डाटा को प्राप्त करना, पुट का अर्थ होता है रखना। तो देखिए पुट मेंबर फंक्शन से सिंगल कैरेक्टर को आउटपुट किया जाता है, वहां पर तो इनपुट होता है लेकिन इसके अंदर जो है सिंगल कैरेक्टर को आउटपुट कर सकते हैं। पुट फंक्शंस ऑफ स्ट्रीम क्लास में डिफाइन होता है, इसका मतलब ये फंक्शन इस्तेमाल करने के लिए और आईओ स्ट्रीम इस हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। गेट और पुट दोनों के लिए हमने जो है आईओ स्ट्रीम यूज जो है हेडर फाइल को यूज करना पड़ेगा। पुट अनफॉर्मेटेड स्ट्रीम यानी इनपुट आउटपुट फंक्शंस होता है, ये अनफॉर्मेटेड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और गेट भी जो होता है वो आपके अनफॉर्मेटेड में ही आता है। पुट फंक्शंस को जो है डाटा को रीड यानी राइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आपको डाटा के अंदर कुछ भी चेंजेज या राइट करना है तो वहां पे जो है आप पुट फंक्शंस का यूज करेंगे। अब हम देखते हैं यहां पर पुट मेंबर फंक्शन से रिलेटेड की सिंटेक्स इसका किस प्रकार से होता है। सी आउट डॉट पुट यानी सी आउट लिख दिया और डॉट यहाँ पे वहां पे हमने गेट यूज किया था सिन और यहाँ पे सी आउट डॉट पुट को यूज करेंगे। और यहाँ पे जो है कैरेक्टर कौन सा यूज करना चाहते हैं या कौन सा आउटपुट के दौरान दिखाना चाहते हैं वो यहाँ पे हम इसके अंदर लिख देंगे। यहाँ पे अब देखिए इसका स्ट्रीम ऑब्जेक्ट इसका सिंटेक्स किस प्रकार से बनेगा, स्ट्रीम ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रीम क्लास डॉट पुट यानी आपने यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट लिख दिया, यहाँ पे जो है इसका फंक्शंस का नाम लिख दिया और इसके अंदर जो है आप कौन सा कैरेक्टर आउटपुट करवाना चाहते हैं वो यहाँ पे डिफाइन कर देंगे आप। अब हम देखते हैं यहाँ पर राइट मेंबर फंक्शंस के बारे में। तो यहाँ पे देखिए राइट मेंबर फंक्शन क्या होता है कि ये एक आउटपुट फंक्शन है जो लाइन को डिस्प्ले करता है, यानी आपने जो लाइन या सिंटेक्स लिखा उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वहां पे राइट फंक्शंस को यूज करेंगे। राइट फंक्शंस ये एक ओ एन स्ट्रीम क्लास का मेंबर फंक्शंस होता है। किस मेंबर क्लास का मेंबर फंक्शन है, ये आपके ओ स्ट्रीम का आपको ध्यान रखना है। राइट में फंक्शन जो होता है दो प्रकार के आर्गुमेंट लेते हैं, कौन कौन से, लाइन और स्ट्रिंग, स्ट्रीम और साइज, यानी इन दोनों में से जो है आपके जो आर्गुमेंट है जो यूज करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। लाइन ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है कि ये सिंगल ये जो होता है आपके कैरेक्टर टाइप का
एरे होता है, और ये क्या होता है कि लाइन में कितने कैरेक्टर स्पेस लेना है तो वहां पर आपको ये लिखना पड़ेगा। अगर स्ट्रीम साइज ज्यादा हो तो आपके वहां पे जो है आपके वाइट स्पेस भी लिए जा सकते हैं, यानी आपके जितना वाइट स्पेस होगा वो वहां पे काउंट किया जाएगा। यहाँ पे आप देखते हैं हम राइट मेंबर फंक्शंस के बारे में, इसका सिंटेक्स जो होता है फाइल हैंडलिंग के दौरान किस प्रकार से यूज किया जाता है। तो स्ट्रीम ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रीम क्लास डॉट राइट, यानी आपके यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट होगा और यहाँ पे जो है उसका फंक्शंस का नाम और उसके अंदर जो कौन कौन से नाम लिखे जाएंगे आपके लाइन और स्ट्रिंग कोमा स्ट्रीम का साइज, लाइन और स्ट्रिंग तो यहाँ पे लिखा जाएगा और कोमा करके उसका साइज कितना चाहते हैं हम स्ट्रीम का, वो यहाँ पे हम जो है डिक्लेयर करेंगे और सेमी कोलन से इसको बंद कर देंगे। अब इसका जो है कंसोल के लिए हम किस प्रकार से यूज करेंगे, तो सी आउट डॉट राइट, यहाँ पे तो जो है ऑब्जेक्ट आ गया, इसका फंक्शन का नाम आ गया और यहाँ पे जो है हम कौन सा लाइन हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं और यहाँ पे जो है स्ट्रीम का साइज यहाँ पे हम डिक्लेयर कर देंगे। यहाँ पे देखिए कॉन्केटिनेट राइट फंक्शन विथ डॉट ऑपरेटर, यानी डॉट ऑपरेटर के साथ इस फंक्शन को हम किस प्रकार करेंगे। कॉन्केटिनेट का अर्थ होता है जोड़ना। यहाँ पे देखिए सी आउट डॉट राइट और ब्रेकेट के अंदर जो है लाइन और स्ट्रिंग और यहाँ पे जो है इसका साइज डॉट राइट फंक्शन को लिखेंगे और उसके अंदर जो लाइन हम लिखना चाहते हैं और उसका साइज जो है स्ट्रिंग का हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। अब हम देखते हैं गेट लाइन मेंबर फंक्शन के बारे में। तो गेट लाइन फंक्शंस ये इनपुट फंक्शंस होता है जो लाइन को कीबोर्ड से इनपुट करता है, यानी गेट लाइन से हम जो है डाटा को इनपुट करवा सकते हैं। गेट लाइन फंक्शन से जो है आई स्ट्रीम क्लास का जो होता है आपके मेंबर फंक्शंस होता है। गेट लाइन फंक्शन के स्ट्रिंग के आखिर में जो है हम नल कैरेक्टर जो होता है वो आप स्थित होता है, यानी वहां पे लास्ट में आपको कोई भी प्रकार का कैरेक्टर शो नहीं होता है। अब हम जानते हैं गेट लाइन मेंबर फंक्शंस के अंदर इसका सिंटैक्स। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रीम ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रीम इफ स्ट्रीम क्लास डॉट गेट लाइन, यहाँ पे जो है इसका जो ऑब्जेक्ट लिखेंगे और यहाँ पे जो वापस जो हमें इसका फंक्शन यूज करेंगे, इसके अंदर हम कौन सी लाइन यूज करना चाहते हैं और इस स्ट्रीम का साइज कितना हम डिक्लेयर करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे और सेमीकोलन से इसको बंद कर देंगे। अब इसका देखिए कंसोल के लिए किस प्रकार से यूज करेंगे हम, तो सिन डॉट गेट लाइन, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम हो गया और यहाँ पे जो है उसका गेट लाइन, यहाँ के इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर जो है आप यहाँ पे जो लाइन या स्ट्रिंग लिखेंगे और उसके बाद जो है उसका साइज कितना होना चाहिए स्ट्रीम का वो यहाँ पे हम डिक्लेयर कर देंगे। तो इस प्रकार से जो है हम इसने पूरे प्रोग्राम के अंदर जो है फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड और उनके मोड्स और उनके फंक्शंस को जाना है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रकार की क्वेरी है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। और आपके लिए जो मैं है C++ का पूरा पेनड्राइव कोर्स जो है जल्द से अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करना चाहता हूँ। अगर उससे रिलेटेड भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं संपत आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।